हेलो एवरीवन वेलकम टू जनरस मॉम तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर इलेवन माय नेबरहुड माय नेबरहुड क्लास फर्स्ट में भी है और क्लास फर्स्ट की ईवीएस मैंने कंप्लीट करवा दी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप जाके वहां से चेक कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो और इस चैप्टर में हम करेंगे माई नेबरहुड कि नेबरहुड क्या होता है नेबर क्या होते हैं और ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं हमारे नेबरहुड हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है इस बारे में हम पढ़ेंगे

वी शेयर मैनी थिंग्स विद अवर नेबर्स वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल फंक्शन्स टुगेदर और हम अपने नेबर्स के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं फेस्टिवल्स और स्पेशल फंक्शन हम एक साथ सेलिब्रेट वी मेक फ्रेंड्स विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड और नेबरहुड में हम दूसरे बच्चों को अपने फ्रेंड्स बनाते हैं वी प्ले टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन डूइंग होमवर्क हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं और होमवर्क करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं गुड नेबर्स केयर फॉर ईच अदर और जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे की देख रेख करते हैं दे आर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेज इन रानीज नेबरहुड रानी के घर के आसपास बहुत सारे प्लेसेज हैं लाइक पार्क हॉस्पिटल मार्केट डीज प्लेसेज प्रोवाइड वेरी यूजफुल सर्विसेज और ये प्लेसेज जो हैं हमें बहुत सारी यूजफुल सर्विसेज जो हैं सेवाएं जो हैं वो देते हैं लेट्स रीड अबाउट सम इम्पोर्टेंट प्लेसेज इन अवर नेबरहुड तो आइए हम पढ़ते हैं कि हमारे घर के आसपास जो हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं पार्क ए पार्क मेक्स ए प्लेस लुक ब्यूटीफुल पार्क जो है किसी जगह को बहुत सुंदर बनाता है इट हैज मेनी स्विंग्स एंड स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले बच्चों को खेलने के लिए पार्क में बहुत सारे स्विंग्स और स्लाइड्स होते हैं मेनी पीपल कम हेयर इन मॉर्निंग टू ब्रीद इन फ्रेश एयर और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाते हैं दे वॉक रन एंड जॉग इन दार्क मैनी ओल्ड पीपल विजिट द पार्क दे सिट ऑन द बेंचेज टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले ऑन द स्विंग्स तो बहुत सारे आपने देखा होगा ओल्ड पीपल भी पार्क में आते हैं और वो बच्चों को खेलते हुए देखते हैं ए गार्डनर टेक केयर ऑफ द प्लांट्स इन द पार्क और पार्क की कौन जो गार्डनर है वो पार्क की देखरेख मार्केट देर आर मेनी शॉप्स इन ए मार्केट पीपल बाय थिंग्स ऑफ देयर डेली यूज फ्रॉम हेयर लाइक फ्रूट वेजिटेबल्स ब्रेड बटर एग्स तो मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होते हैं और लोग अपने डेली यूज की चीजें जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स हो गया ब्रेड बटर और एग्स यहाँ से खरीदते हैं द पर्सन हु सेल्स थिंग्स इज कॉल्ड ए शॉपकीपर जो ये चीजें बेचते हैं उन्हें बोलते हैं शॉपकीपर फॉर बाइंग अदर थिंग्स सच एज क्लोथ शूज एंड मेडिसिन वी हैव टू गो टू ए बिगर मार्केट जैसे कपड़े खरीदने के लिए शूज और मेडिसिन खरीदने के लिए हमें बड़े मार्केट जाना नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस वी कैन बाई एनवेब्स पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प फ्राम ए पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस से हम क्या खरीदते हैं एनवेलब्स पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प वी कैन ऑल्सो सेंड लेटर्स पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर तो हम यहाँ से लेटर्स पार्सल्स और मनी ऑर्डर भी करते हैं ए पोस्टमैन वर्क इन ए पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में कौन काम करते हैं पोस्टमैन ही कलेक्ट्स लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिलीवर टू अवर होम्स तो पोस्टमैन क्या करता है लेटर बॉक्स में से लेटर को कलेक्ट करता है और जिसके लेटर होते हैं उनके घरों में डिलीवर कुरियर सर्विस वी कैन सेंड एंड रिसीव पैकेट एंड पार्सल थ्रू द कुरियर सर्विस और पोस्ट ऑफिस के अलावा जो है हम पैकेट या पार्सल्स को कुरियर सर्विस के थ्रू भी सेंड और रिसीव करते हैं द पीपल हु वर्क हि पिकअप पैकेट एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड डिलीवर देम टू पीपल एट ऑफिस एंड एट होम्स तो यहाँ पे लोग करते हैं लोग काम करते हैं जो कि पैकेट्स को और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लोगों तक भेजते हैं उनके घरों में या उनके ऑफिस में स्कूल स्कूल चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स एट स्कूल बच्चे बहुत सारी चीजें स्कूल में सीखते हैं दे लर्न हाउ टू रीड एंड राइट वो सीखते हैं कैसे लिखना है कैसे पढ़ना है दे आल्सो लर्न इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज लाइक क्राफ्ट म्यूजिक एंड डांस इन द स्कूल वो क्राफ्ट म्यूजिक और डांस भी स्कूल में सीखते हैं ए टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट्स लर्न ऑल दीज थिंग्स और स्कूल में हमारी ये सब सीखने में कौन हेल्प करता है नेक्स्ट वन इज बैंक ए बैंक इज अ सेफ प्लेस टू कीप अवर मनी तो बैंक एक सुरक्षित जगह है जहां हम अपने मनी को रख सकते हैं वी कैन ऑल्सो कीप अवर ज्वेलरी सेफली इन द बैंक लॉकर्स और बैंक के लॉकर्स में हाँ, हम अपनी ज्वेलरी को सेफ रख सकते हैं वी कैन टेक देम आउट वेन एवर वी नीड और जब हमें जरूरत होती है तब हम उसको ले भी सकते तो आपने देखा होगा कि लोग जो हैं तो कुछ देखा लोग होगा कि कुछ लोग जो हैं गैस एजेंसी में काम करते हैं और वो हाँ जो काम करते हैं वो हमारे घर में गैस सिलेंडर डिलीवर करने भी आते हैं दे आल्सो फिक्स गैस पाइप एंड रिपेयर गैस स्टोव और वो हमारी गैस पाइप को रिपेयर करते हैं और हमारे गैस स्टोव को भी वो चेक करते मैसन मैसन मीन मिस्त्री ए मैसन इज ए पर्सन हु वर्क इन ए बिल्डिंग मैसन एक ऐसा आदमी होता है जो बिल्डिंग में काम करता है ही वर्क विद स्टोन ब्रिक्स एंड टाइल्स एंड बाइंड विद सीमेंट उस स्टोन के साथ ब्रिक्स के साथ टाइल्स के साथ काम करता है और उन्हें सीमेंट के साथ बाइंड करता है नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन मैनी पुलिस मैन एंड पुलिस वेमेन वर्क इन ए पुलिस स्टेशन आपने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस मैन भी होते हैं और पुलिस वेमेन भी होती हैं दे हेल्प टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी और वो सोसाइटी में पीस मेंटेन शांति मेंटेन करने में हेल्प करते हैं दे गार्ड अवर नेबरहुड और वो हमारे आस पड़ोस को सुरक्षा प्रदान करते हैं दे प्रोटेक्ट एंड कीप अस सेफ

इल और हर्ट अवर सेल्फ हम हॉस्पिटल कब जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं या हमें चोट लगती है मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क इन हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज काम करते हैं डॉक्टर्स चेक द पेशेंट्स एंड गिव दैम मेडिसिन डॉक्टर पेशेंट को चेक करते हैं और उन्हें मेडिसिन देते हैं नर्स हेल्प द डॉक्टर्स इन दे वर्क नर्सेज जो होती है वो डॉक्टर्स की हेल्प करती है उनके काम में दे आर लुक आफ्टर द पेशेंट्स और वो पेशेंट्स की मरीजों की देखरेख भी करती है नेक्स्ट जो है हमारा नेबरहुड प्लेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप तो आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास जो है टेम्पल भी होंगे चर्च भी होंगे मॉस्क भी होंगे और गुरुद्वारा भी होंगे तो इनको हम बोलते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप टेम्पल चर्च मॉस्क एंड गुरुद्वारा आर डिफरेंट प्लेसेज ऑफ वर्शिप इन नेबरहुड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स गो टू दीज प्लेज टू प्रे तो अलग अलग धर्मों के लोग जो है यहाँ पे प्रे करने जाते हैं जो हिन्दू होंगे वो टेम्पल में जाएंगे क्रिश्चियन चर्च में जाएंगे मुस्लिम मॉस्क में जाएंगे और सिख गुरुद्वारा में जाएंगे रिक्रिएशनल प्लेसिज इन द नेबरहुड रिक्रिएशनल का मतलब होता है की मौज मस्ती करने के चिल आउट करने के प्लेस कौन कौन से होते हैं हमारे नेबरहुड में जैसे कि नेबरहुड हैज मैनी रिक्रिएशनल प्लेसेज वे आर पीपल सेट एंड रिलैक्स तो बहुत हमारे नेबरहुड में बहुत सारे रिक्रिएशनल प्लेसेस होते हैं जहां पे हम जाके रिलैक्स कर सकते हैं जैसे कि रेस्टोरेंट ए रेस्टोरेंट इज ए प्लेस वे आर मील्स एंड सेवरल सवरल आर सर्व तो रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह होती है जहां पे वो जो मील्स और कुन्स जो है सर्व किए जाते हैं कुजीन होते हैं व्यंजन मील्स मतलब खाना पीपल कम थ यर फ्रेंड्स एंड फैमिली तो लोग जो है यहाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आते हैं दे सिट एंड एंजॉय द फूड यहाँ पे बैठ के वो खाने को इंजॉय कर नेक्स्ट जो रिक्रिएशनल प्लेस uh, है वो है थियेटर ए थियेटर इज ए प्लेस वे अ फिल्म आशोन तो रिक्रिएशनल प्लेस में आता है थियेटर तो थियेटर में हम क्या करते हैं फिल्म देखने आ जाते हैं सम नेबरहुड हैव ए थियेटर वे अर पीपल कम टू एंटरटेन ट आपने देखा होगा की आस पड़ोस में हमारे थिएटर uh, भी होता है जहां पे हम क्या करते हैं लोग जो हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए जाते हैं आर असम अदर इम्पोर्टेंट सर्विसेज इन नेबरहुड हमारे नेबरहुड में कुछ और सर्विसेज भी होती हैं जैसे कि बस स्टॉप टैक्सी स्टैंड रेलवे स्टेशन ऑल दी सर्विसेज मेक अवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल तो ये जो सर्विसेज हैं ये हमारी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाती हैं इट इज अवर ड्यूटी टू कीप अवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने नेबरहुड को साफ सुथरा रखें वे मस्ट ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज इन अवर नेबरहुड तो हमें अपने नेबरहुड में हमें अपने आस पड़ोस में प्लांट्स और ट्रीज को ग्रो करना चाहिए डेट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड वी विल टू एक्सरसाइज इन अवर नेक्स्ट वीडियो टिल नाउ वॉच माई वीडियोज एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग